हे गाइस, दिस इज योर सुक्लाइड, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो जेईई मेन 2022 के लिए जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर किए जा चुके हैं और अब आपके पास आपकी सीआरएल रैंक एंड अगर आपकी कोई कैटेगरी लग रही है तो कैटेगरी रैंक मौजूद है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी जेईई मेन के अंदर रैंक 30,000 से लेके 6 लाख के बीच आ रही है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बनते हैं। क्योंकि अगर हमारी जेईई मेन में रैंक 30,000 से लेके 1.5 लाख के आसपास है, यानी इसके बीच है, तो हमें कॉलेज ऑप्शन मिलते हैं, हमें एक ठीक ठाक कॉलेज मिल जाता है जहाँ पे प्लेसमेंट की ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। लेकिन अगर हमारी रैंक 1.5 लाख से ऊपर जाती है तो फिर हमारे पास जो कॉलेज ऑप्शन है वो जैसे जैसे रैंक ऊपर जाती जाती है वो कम होते जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको 10 ऐसे कॉलेज बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको लो रैंक में एडमिशन मिल जाएगा एंड इनकी जो प्लेसमेंट है वो आपको बेहतर मिलती है। इनमें स्टार्टिंग के 3-4 कॉलेज तो ऐसे हैं जिनके प्लेसमेंट आपको NIT श्रीनगर, अगरतला एंड नॉर्थ ईस्ट साइड की जो NIT हैं उनके लेवल के मिलते हैं, उनके टक्कर के मिलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं इन सभी कॉलेज के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। टोटल 3 बातें हैं जो कॉमन हैं। पहली बात ये है कि इन सभी कॉलेज में जो एडमिशन होता है वो MPDT काउंसलिंग से होता है, मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और MPDT की जो काउंसलिंग होती है उसमें 90% सीट्स जो होती हैं वो मध्य प्रदेश बच्चों के लिए होती हैं और जो 10% सीट्स होती हैं वो आउटसाइड वाले बच्चों के लिए होती हैं। अब 10% सीट्स सोच के ये मत देखना कि जो कट ऑफ है वो आउटसाइड वाले बच्चों के लिए हाई रहेगा, ऐसा नहीं होता। जो कट ऑफ है वो आउटसाइड वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी लो होता है, काफ़ी लो रैंक में उनको एडमिशन मिल जाता है। और दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि अगर आप इस कॉलेज के अंदर ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे सभी कॉलेज में आपको आपकी जनरल रैंक के अकॉर्डिंग एडमिशन मिलेगा, आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे कंसीडर नहीं की जाएगी MPDT के अंदर। एंड जो तीसरी कॉमन बात है वो ये है कि इनकी जो स्कॉलरशिप है वो सभी कॉलेज के लिए सिमिलर है। पहली है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो कि SC ST और OBC वाले बच्चों के लिए है, और दूसरी है MMBY जो कि सभी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी जेईई मेन में जो CRL है वो 1.5 लाख है उससे अंदर होनी चाहिए एंड आपके पेरेंट्स की जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख या उससे कम होनी चाहिए। अब मैं एक एक करके सभी कॉलेज के बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो नंबर 1 पे जो कॉलेज है वो है SGSITS इंदौर। ये मध्य प्रदेश का फुली सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि 1952 में स्टेब्लिश हुआ था। 36 एकड़ का इनका कैंपस है। NIRF की बात करते हैं तो 2021 में 183 थी रैंकिंग। अब बात करते हैं कि इस कॉलेज के लिए आपको फीस कितनी पे करनी होगी। तो इस कॉलेज ने अपनी ब्रांचेस को 2 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। ग्रुप ए के लिए जो इंस्टीट्यूट फीस है वो 52,900 है एंड ग्रुप बी के लिए थोड़ी सी ज्यादा है, 66,900 है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। तो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ये कॉलेज मध्य प्रदेश का नंबर 1 स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। 2022 बैच के लिए इनका जो हाईएस्ट पैकेज था वो 55 LPA का था एंड ओवरऑल कॉलेज का जो एवरेज पैकेज था वो 6.2 LPA का था। अगर CSIT के एवरेज पैकेज की बात करें तो वो 7.5 लाख का था। अब बात करते हैं कि इस कॉलेज का कट ऑफ क्या है, क्लोजिंग रैंक क्या है 2021 की। तो यहाँ पे जो कट ऑफ मैंने मेंशन किए हैं ये MPDT की वेबसाइट से लिए गए ऑफिशियल कट ऑफ है, ऑफिशियल क्लोजिंग रैंक है 2021 के लिए। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों के ही कट ऑफ मैंने मेंशन कर रखे हैं। जो स्टेट कोटा के कट ऑफ बताए हैं वो मैंने जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बताए हैं। अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी से हो तो आपके लिए जो कट ऑफ लिस्ट है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटे की बात करें तो सिविल की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 1,02,545 थी, CS की क्लोजिंग रैंक 26,013 थी, IP के लिए होम स्टेट की क्लोजिंग 2,03,472 थी। तो यहाँ से अदर ब्रांचेस के कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। नंबर 2 पे जो कॉलेज है वो है IIT DAVV इंदौर। ये एक सेल्फ फाइनेंस टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, 1996 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। 210 एकड़ का इनका कैंपस है और अगर फीस की बात करते तो इंस्टीट्यूट फीस 44,000 पर सेमेस्टर है, हॉस्टल फीस यहाँ पे 22,500 है। इस कॉलेज के जो प्लेसमेंट है वो SGSITS इंदौर के ही लगभग सिमिलर रहते हैं। प्लेसमेंट इस कॉलेज के अंदर भी बहुत बढ़िया होती है। 2022 में इस कॉलेज के अंदर टोटल 26 कंपनियां विजिट की थी। टोटल ऑफर BTech में ऑन कैंपस 609 आए थे। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज इनका 57 लाख का था। ऑन कैंपस जो हाईएस्ट पैकेज था वो 22 लाख का था जो कि 13 बच्चों को ऑफर हुआ था। इस कॉलेज के अंदर ऑन कैंपस आपको वो कंपनियां मिलती हैं जो 22
2 लाख 25 लाख तक का पैकेज ऑफर करती हैं। अगर एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो यहाँ पे 5.6 लाख का था ओवरऑल कॉलेज का एवरेज पैकेज, और अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं सिविल की जो क्लोजिंग थी ऑल इंडिया के लिए वो 1,12,400 थी, होम स्टेट के लिए 1,66,892 थी। इसके बाद जो नंबर 3 पे कॉलेज है वो है JEC जबलपुर। ये कॉलेज MP का फुली गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि 1947 में एस्टेब्लिश हुआ था। कैंपस इनका 255 एकड़ का है, और अगर फीस की बात करते हैं यहाँ पे जो टोटल इंस्टीट्यूट फीस है वो पर सेमेस्टर 15,670 है, एंड जो हॉस्टल फीस है वो पर सेमेस्टर 1,891 है। अब बात करते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे 2022 में टोटल 28 कंपनियां विजिट की थी। बीटेक के अंदर ऑन कैंपस 464 ऑफर आए थे। हाईएस्ट पैकेज जो था वो ऑफ कैंपस CS से था जो कि 52 LPA का था, एंड ऑन कैंपस जो हाईएस्ट पैकेज था वो 10 LPA का था जो कि 3 बच्चों को ऑफर हुआ था। ओवरऑल कॉलेज का जो एवरेज पैकेज था वो 4.57 LPA का था। तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट की एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब बात करते हैं कि 2021 में इस कॉलेज की क्लोजिंग रैंक क्या थी। तो ऑल इंडिया के लिए AI की जो क्लोजिंग थी वो 1,03,665 थी, होम स्टेट के लिए AI की क्लोजिंग 1,25,938 थी, मैकेट्रॉनिक्स की 3,37,170 एंड IP की 5,76,875 थी। तो आप देख सकते हैं कि काफी हाई रैंक पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाता है। और जब आप MPDT की काउंसलिंग करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर आपकी रैंक लो आई है JEE मेन के अंदर तो आपको काउंसलिंग प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो करना काफी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करना, चॉइसेस के सीक्वेंस को अरेंज करना, एंड जो रिस्क फैक्टर होता है काउंसलिंग का उसे एनालाइज करना आना चाहिए, तब जाके आप एक बेहतर कॉलेज तक पहुंच पाओगे लो रैंक के अंदर। 2019 से मैं MPDT पे वीडियो बना रहा हूं, काउंसलिंग कर रहा हूं, तो बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं जिनकी रैंक JEE मेन के अंदर लो आती है और वो सही तरीके से काउंसलिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग वगैरह है वो अच्छे तरीके से नहीं करते, जिसके कारण उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता एक बेहतर कॉलेज में जो कॉलेज तक आप पहुंच सकते हो। तो अगर आपको MPDT में काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारी काउंसलिंग सपोर्ट टीम है उनका जो काउंसलिंग सपोर्ट प्लान है उनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो दिए हुए हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके और इनरोल हो सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 कॉलेज की जो कि है MITS ग्वालियर। ये एक सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, 1957 में एस्टेब्लिश हुआ था, 47 एकड़ का इनका कैंपस है। 2021 में इनकी NIRF 274 थी, और अगर फीस की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट फीस इनकी पर सेमेस्टर 79,270 है। ये जो कॉलेज है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है दूसरे कॉलेजेस के कंपैरिजन में। 2021 में यहाँ पे टोटल 26 कंपनियां विजिट की थी, 433 ऑफर आए थे, जो हाईएस्ट पैकेज था वो 10 लाख का था, एंड ओवरऑल कॉलेज का जो एवरेज पैकेज था वो 5.9 LPA का था। कट ऑफ की बात करते तो यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस क्लोज हुई थी ऑल इंडिया के लिए वो 74,636 पे क्लोज हुई थी। इस कॉलेज के अंदर आपको CSIT से रिलेटेड बहुत सी ब्रांचेस मिल जाती हैं जो कि आपको लो रैंक पे मिल जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है UIT RGPB भोपाल। ये कॉलेज 1986 पे एस्टेब्लिश हुआ था, 214 एकड़ का इनका कैंपस है। 2022 में इनका जो हाईएस्ट पैकेज था वो 18.5 LPA का था जो कि ऑफ कैंपस था। एवरेज पैकेज कॉलेज का ओवरऑल जो है वो 3.8 LPA का है, एंड CSIT का जो एवरेज पैकेज है वो 4.2 LPA का है। अगर बात करते हैं कट ऑफ की तो यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है वो ऑल इंडिया कोटे वाले बच्चों के लिए 78,134 पे क्लोज हुई थी, एंड जो सिविल है वो 3,71,307 पे क्लोज हुई थी। इतनी हाई रैंक पे भी आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, बाकी के कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है LNCT भोपाल। अब LNCT भोपाल की जो है भोपाल के अंदर 3 कैंपस है। हम बात कर रहे हैं 1994 का जो मेन कैंपस है उसकी, ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, एंड अगर रैंकिंग की बात करें तो 2021 में NIRF 184 थी। इंस्टीट्यूट फीस इनकी जो पर सेमेस्टर है वो 47,000 है। 2022 में इनका ऑन कैंपस जो हाईएस्ट पैकेज था वो 19.5 LPA का था। एवरेज पैकेज इस कॉलेज का 5 LPA का है, लोएस्ट पैकेज जो है वो 3 LPA का है, एंड अगर कट ऑफ की बात करते तो यहाँ पे होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट दोनों बच्चों के लिए जो कट ऑफ होता है वो एक ही रहता है। तो यहाँ पे AI की जो क्लोजिंग रैंक थी वो यहाँ पे 6,18,031 गई थी, CS की जो क्लोजिंग थी वो 1,27,127 गई थी। इस
कॉलेज की जो प्लेसमेंट है मेन कैंपस की इसकी हम बात कर रहे हैं वो बेहतर है, और यहाँ पे जो एडमिशन है वो आपको 5-6 लाख रैंक तक भी मिल जाता है, भले आप किसी भी स्टेट से हो या फिर मध्य प्रदेश से हो। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है यूईसी उज्जैन। ये एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इस कॉलेज का 2022 का जो एवरेज पैकेज था वो 3.6 लाख के अराउंड था, एंड अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल की जो क्लोजिंग रैंक थी वो ऑल इंडिया के लिए 1,73,677 थी, कंप्यूटर साइंस की 1,25,622 थी, और होम स्टेट के लिए जो मैकेनिकल की क्लोजिंग थी वो आप देख सकते हैं 6,12,235। तो कट ऑफ इस कॉलेज की काफी हाई जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है SATI विदिशा। ये एक सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि 1960 में स्टेब्लिश हुआ था। 85 एकड़ का इनका कैंपस है। 2021 में 32 कंपनियां विजिट की थी, 149 ऑफर आए थे, 12 लाख का इनका ऑन कैंपस हाईएस्ट पैकेज था जो कि CSE से गया था। एवरेज पैकेज 3.9 LPA का है ओवरऑल कॉलेज का। एंड अगर बात करते हैं कट ऑफ की तो यहां से आप देख सकते हैं AI की जो क्लोजिंग रैंक थी वो ऑल इंडिया के लिए 5.5 लाख के पास गई थी। इस कॉलेज के अंदर भी CSIT से रिलेटेड बहुत सी ब्रांचेज हैं जैसे कि MITS के अंदर है, एंड यहां पे आपको एडमिशन काफी लो रैंक में मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है एक्रोपोलिस इंदौर। ये एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि 2005 में एस्टेब्लिश हुआ था। 12 एकड़ का इनका कैंपस है। एवरेज पैकेज इस कॉलेज का ओवरऑल 4.2 LPA का है। इनका जो लोएस्ट पैकेज है वो 3.25 LPA का है 2022 का, एंड जो टॉप रिक्रूटर्स है वो आप यहां से देख सकते हैं। अगर कट ऑफ की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज है इसके कारण होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट दोनों का सेम रहता है, तो यहां से आप इनके कट ऑफ कंप्लीट देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा लास्ट कॉलेज है वो है REC रीवा जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था। 250 एकड़ का इनका कैंपस है, और अगर प्लेसमेंट की बात करते तो इस कॉलेज का जो फर्स्ट बैच है कंप्यूटर साइंस का वो 2022 में पास आउट हुआ था। इससे पहले इस कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे जब CS आ गया है, CS का फर्स्ट बैच पास आउट हुआ है तो यहाँ पे प्लेसमेंट हुई है। इनका जो हाईएस्ट पैकेज था वो ऑफ कैंपस था एक बच्चे का CS का 13 लाख का। एवरेज पैकेज इनका 2.8 लाख के पास था। कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम पे हमारी सभी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिल सके। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूं मैं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।